Hello dear students, how are you all? Today we are going to do worksheet number 6, that is for class 6 and this is for 12th October 2020. और आप लोगों के लिए एक news है that from now onwards, every week you'll get two worksheets related to each subject. So, एक तो आज हम इंग्लिश के लिए मिल रहे हैं और एक बार फिर से दूसरी वर्कशीट के साथ भी हम इंग्लिश वर्कशीट के लिए आपसे मिलेंगे. तो अब से हफ्ते में दो बार हम लोग मिलेंगे, ठीक है. तो आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि फिर जल्दी जल्दी एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं, है ना. नाउ कमिंग बैक टू द वर्कशीट अगेन बेटा, दिस वर्कशीट इज रिलेटेड टू द सेम चैप्टर दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2-3 weeks. और इसका नाम है चैप्टर का, यू ऑल नो हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. इसमें बहुत सिंपल सा है ये आज की वर्कशीट, बहुत सिंपल है. आपको पूरी स्टोरी फॉर्म यहां पर समरी दी हुई है स्टोरी की, आपने रीड करी हुई है स्टोरी किस तरह से डॉग ने अपने नए मास्टर को फाइंड आउट किया था और बस उसकी समरी यहां पर आपको दी हुई है. कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके उन ब्लैंक्स को फिल कर देना है. वेरी सिंपल, जो जल्दी से रीड करते हैं और साथ साथ फिल करते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ, किसकी स्टोरी थी ये तो आप जल्दी से बिना इन ब्लैंक्स में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको देखे भी आप बता सकते हैं ये स्टोरी किसकी थी. ये स्टोरी थी डॉग की, हु यूज टू बी, जो कि पहले क्या था, वो खुद का मास्टर था. हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर, वो खुद अपना मास्टर था. और फिर ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर हु वॉज, फिर उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे एक मास्टर चाहिए और वो मास्टर कैसा होना चाहिए, उससे टॉल होना चाहिए या उससे स्ट्रांगर होना चाहिए. बिल्कुल ठीक, वो मास्टर उससे टॉल होना चाहिए. तो इसमें आ जाएगा टॉल नहीं, स्ट्रांगर होना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए. तो यहां पर आ जाएगा स्ट्रांगर देन एनीवन एल्स. फर्स्ट ही फाउंड अ, सबसे पहले उसे कौन मिला था जल्दी से बताओ, पहले बेयर मिला था या वुल्फ मिला था. जल्दी से, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने, सबसे पहले उसे वुल्फ मिला था. बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द, लेकिन वुल्फ किससे बहुत ज्यादा डर गया था, बेयर से या काउ से. बिल्कुल ठीक, वो डर गया था बेयर से. उसने कहा कि अरे बेयर आ रहा है हमारी तरफ, ये तो हमें खा जाएगा. द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज, डॉग ने क्या सोचा कि इसका मतलब है कि वुल्फ से ज्यादा तो बेयर स्ट्रांग है ना. तो यहां पर आ जाएगा स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल, कि बेयर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ, फिर उसके बाद उसको कौन मिला था जल्दी से बताओ, उसको मिला था लायन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. उसको मिला लायन हु सीम्ड टू बी द स्ट्रांगेस्ट, उसे लगा कि शायद यही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा. ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वहां पर लायन के साथ बहुत लंबे समय तक रहा. वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज, फिर एक दिन उसको क्या रियलाइज होता है, जब वो कहता है ना कि अरे मुझे तो किसी मैन के आने की, ह्यूमन बींग के आने की गंध आ रही है, स्मेल आ रही है. इसका मतलब कि वो लायन जो था वो मोर पावरफुल देन मैन था या अफ्रेड ऑफ मैन था. अफ्रेड ऑफ मैन, अफ्रेड का मतलब डर जाना, तो वो उससे डर गया था. तो टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद से डॉग जो था वो उसने मैन को अपना मास्टर समझ लिया और वो पक्के दोस्तों की तरह रहने लग गए. सो इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी मेनी अ टाइम्स. तो इसमें आपने करेक्टली वर्ड्स कैसे फिल करने हैं एक बार देख लेते हैं. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, पहले वो अपना मास्टर खुद था और उसके बाद में उसने डिसाइड किया किसको, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एनिमल को या किसी को चूज करने का जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो. फिर सबसे पहले वो वुल्फ से मिला और उसके बाद में वो बेयर से मिला था. द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द ऑल, उसने सोचा बेयर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो भी स्ट्रांग नहीं निकला. फिर वो लास्ट में एक लायन से मिला जो कि उसे लगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन लायन भी, ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मैन, वो भी मैन से डर गया. और लास्ट में फिर उसे मैन को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया और अपना मास्टर मान लिया. ठीक है, तो आगे चले वर्कशीट में. नाउ नेक्स्ट इज, लेट अस नाउ
रिवाइज द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. कुछ न्यू वर्ड्स बेटा यहाँ पर आपको दिए हुए हैं स्टोरी में से, आपको इनको रिवाइज करना है और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको उन वर्ड्स को सर्च करके जल्दी से उसको मार्क लगाना है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एज वेल एज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले मीनिंग समझते हैं. पहला वर्ड दे रखा है आपको डेयर्ड. डेयर्ड का मतलब होता है जब आपके अंदर किसी चीज को करने का, किसी काम को करने का हौसला होता है, बहादुरी होती है. दैट मीन्स टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग. जैसे कभी कभी फ्रेंड लोग जो होते हैं डेयरिंग देते भी है ना, कि आई डेयर यू टू हैव दिस स्विंग 10 times. इस स्विंग को मुझे 10 बार लेके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा. या फिर आई डेयर यू, मैं किसी और की चीज के लिए आपको हिम्मत वाला जो काम होता है कि यहां पर पार्क में जाके और इस पार्क के 10 चक्कर लगा के दिखाओ, मैं तुम्हें डेयर देता हूं ये. ठीक है, दूसरा है किन्समैन. किन्समैन बेटा ये ओल्ड फैशन वर्ड है. पहले ये रिलेटिव्स के लिए, संबंधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल ये कम यूज होता है वर्ड. उसके बाद वर्ड है फियर्स. फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग. जैसे जो लॉयन होता है ये बहुत ज्यादा फियर्स होता है, जिससे आपको डर लगता है, बहुत ज्यादा वायलेंट होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डार्टेड. डार्टेड का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी जब चलते हैं, मूव्ड क्विकली, उसको बोलते हैं डार्टेड. देन नेक्स्ट वर्ड इज क्लिफ. क्लिफ का मतलब तो आपको पता ही है, क्लिफ का मतलब होता है चोटी, अ स्टीप हाई रॉक. कैसे, ऐसे. तो ये है क्लिफ. ठीक है ना, उसके बाद है वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब आपको इन्हीं वर्ड्स को नीचे जो आपको zigzag ये दिया हुआ है, यहां पर इन वर्ड्स को आपको ढूंढकर और उसको आपको सर्कल करना है. तो देखें, फर्स्ट वर्ड इज डेयर्ड. ठीक है बच्चों, अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, जैसे एक आपको एग्जाम्पल के लिए यहां पर दिया हुआ है FIERCE, ये वाला वर्ड. ठीक है, तो आपको इस तरह से यहां पर सर्कल कर देना है उस वर्ड को. एक वर्ड आपके लिए दिया हुआ है, बाकी के वर्ड्स आपको सर्च करने हैं. आप क्या कीजिएगा, यहां पर इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से उन वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए. वर्ड्स आपके इस तरह से भी हो सकते हैं और वर्ड्स आपके इस तरह से भी हो सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक में आपको हिंट के लिए बता देती हूं. ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आप सारे वर्ड सर्च कीजिए कि ये बन रहा है कि नहीं फर्स्ट लाइन, फिर दूसरी लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, फिर तीसरी लाइन बन रही है कि नहीं, फिर फोर्थ लाइन. पर ऐसा नहीं करना है कि जल्दी से वीडियो को आगे किया और रजनी मैम ने तो बताया ही होगा तो चलो मैम का ही देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, नो चीटिंग. चीटिंग किसी बच्चे ने नहीं करनी है. यहां वीडियो पॉज करेंगे, अच्छे से हर लाइन को सर्च करेंगे आंसर को, और फिर भी कोई वर्ड ना मिले तो वीडियो में आंसर्स को देखेंगे. जैसे जब हम इस तरह से लाइनों में आ रहे थे इस तरह से, तो हमने देखा कि अरे वाह, हमें तो एक वर्ड मिल गया DARED. ये देखो, ये वर्ड हो गया डेयर्ड, है ना. किसी को हिम्मत का काम जब कोई करता है तो उसे डेयरिंग कहा जाता है. तो यहां पर एक वर्ड हमें मिल गया. इसी तरह से आप नीचे की लाइनों में इस तरह से सर्च करिएगा और उसके बाद में आप उसको वर्टिकल जो लाइन्स है उसमें आप सर्च करिएगा कि इस तरह से वर्ड बन रहे हैं, नहीं वर्ड बन रहे हैं, नहीं इस तरह से. ठीक है, और फिर भी अगर नहीं मिले तो फिर वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अपने आप से करना है, नो चीटिंग. ओके, सो यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने दे दिए हैं वर्ड्स, लेकिन आपको अपने आप से करने हैं. जैसे ये वर्ड हो गया डेयर्ड, फिर उसके बाद यहां पर हो गया किन्समैन, फिर उसके बाद में हो गया यहां पे क्या वर्ड है, वॉन्डरिंग. ये वर्ड हो गया वॉन्डरिंग, फिर उसके बाद यहां पर हो गया डार्टेड. ठीक है, और उसके बाद में यहां पर हो गया क्लिफ. तो ये आपने यहां से वर्ड्स अपने तभी केवल देखने हैं जब आपको समझ में नहीं आएंगे. तो यहां पर एक कोविड का आपके लिए मैसेज भी दिया हुआ है बच्चों, कीप डिस्टेंसिंग, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. आपको अपने आप को, अपनी सेहत को अच्छा ख्याल रखना है उसका, और डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, और साथ ही साथ आपको मास्क भी हमेशा पहनकर रखना है. ठीक है, तो ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, अब दूसरी वर्कशीट के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे. तब तक आप बहुत सुंदर सुंदर इस वर्कशीट को अपनी प्यारी प्यारी सी हैंडराइटिंग में इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए. ऑलराइट, हमेशा खुश रहिए एंड कीप लर्निंग. Bye, take care.